हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में फिशबोन स्टिच का इस्तेमाल करते हुए आरी नीडल से दो तरह के पत्ते बनाना सीखेंगे। इसे हम लिप फिलिंग स्टिच भी कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पत्ते का शेप ले लिया है और एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लिया है, वो बिगनर्स के लिए है। सिर्फ जो पहले शुरुआत कर रहे हों वो एक लाइन बीच में सेंटर में खींच लें, वरना शेप अच्छी नहीं आएगी। हमने नीडल को कपड़े के अंदर डाल के थ्रेड को ऊपर निकाल लिया है। अब हम कॉर्नर पे नीडल को वापस से डालेंगे और थ्रेड को ऊपर खींचते हुए वापस से फर्स्ट पॉइंट पे लेके आएंगे। स्टिच लंबा होगा और उसके बाद से हमें लॉक शॉर्ट स्टिच डालनी है। हमने यहाँ दूसरी स्टिच में थोड़ी सी डिस्टेंस रखी है और हमने सेम वैसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट स्टिच किया है। जब नीडल के थ्रू थ्रेड को नीचे से निकालेंगे और उसे वापस से सेकेंड स्टिच पे खींच लेंगे। और ये ध्यान रहे कि नीडल को एकदम स्ट्रेट खींचना है, तभी वो स्ट्रेट सही तरीके से थ्रेड वापस आ जाएगा। हमें किसी एक साइड से ही, राइट या लेफ्ट किसी एक साइड से ही हमें शॉर्ट स्टिच डालनी है, अदरवाइज स्टिच लॉन्ग स्टिच ही डालनी है और उसे बटन होल स्टिच की तरह वापस रिटर्न लेके आना है। हम ऐसे ही करके पूरे पत्ते को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक स्टिच लॉन्ग स्टिच ली है और हमने वापस से रिटर्न नीडल को वापस ले लिया है और उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट स्टिच डाला है। फिर वापस हमने अनदर साइड में लॉन्ग स्टिच डालनी है। और फिर एक शॉर्ट स्टिच। फिर अपोजिट साइड लॉन्ग स्टिच, शॉर्ट स्टिच, फिर लॉन्ग स्टिच। ऐसी करके हमें पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप सबको बेसिक स्टिच चाहिए, हमने यहाँ पे पूरी क्लास वाइज वीडियो बना रखी है, फर्स्ट स्टार्टिंग हाउ टू मेक चेन और हाउ टू एंड चेन। ऐसे करके हमने पूरे एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखा है जिसमें हमने सिर्फ आरी एम्ब्रॉयडरी के वीडियोज डाले हैं। अगर आप सब नए हैं और आप सबको चेन स्टिच के बारे में नहीं पता है तो आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्लास वन है उसमें हमने पूरे डिटेल में बताया है कैसे हमें नीडल को कैसे रखना है और किस पोजीशन में नीडल को रखने से हमारी चेन स्टिच बहुत ही अच्छी बनती है और ईजीली आप सीख सकते हैं हमारे लिंक से। हमारी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। तैयार हो गया। अब हम आप चाहे तो यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहीं से आप चेन स्टार्ट कर सकते हैं। आउटलाइन देने के लिए हमें पूरी आउटलाइन बनानी है चेन स्टिच की, ताकि ये लीफ और भी अच्छे तरीके से दिख सके। आप सब यहाँ देख सकते हैं इसका लुक बिल्कुल ही एक लीफ की तरह आ रहा है। हमारा ये पहले टाइप का लीफ तैयार है। अब हमें दूसरी टाइप की देखनी है कि कैसे हम उसे बनाते हैं। और हमने दूसरे टाइप को सिल्क थ्रेड से बनाया है। सिल्क थ्रेड बहुत ही नाजुक होता है और फिर वो बहुत ही जल्दी टूटने लगती है और इसमें बहुत ही परेशानियां होती हैं सिल्क थ्रेड से। अब
कैसे सिल्क थ्रेड को हैंडल कर सकते हैं ये भी हमने वीडियो में हमने ये वीडियो बना रखा है इस पर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसे देख सकते हैं। हमने इस स्लिप के आउटलाइन पहले ही बना रखा है, हमें सेंटर लाइन से नीडल को जैसे वापस थ्रेड को लेके आनी वापस, और फिर हमें एक कुछ दूर पे स्टिच बनाना है और हमें वापस रिटर्न लेके आना है नीडल को स्ट्रेट वे में खींचते हुए, और फिर हमें इसमें बहुत ही पास पास से हमने स्टिच रखा है, बिल्कुल ही दूरी नहीं रखनी इसमें। फिशबोन लिप फिलिंग स्टिच भी कहते हैं। यहाँ हमें एक लॉन्ग स्टिच के बाद एक शॉर्ट स्टिच डालनी होती है, उसके बाद से फिर हमने किसी एक साइड से अपोजिट साइड से लॉन्ग स्टिच फिर से डालनी होती है, और फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट स्टिच डालनी है, और फिर हमने अपोजिट साइड से एक लॉन्ग स्टिच डालना है, फिर हमें स्ट्रेट खींचते हुए हमें फिर एक शॉर्ट स्टिच डालनी है, और फिर हमें वैसे ही पूरी इस प्रोसेस को पूरी रिपीट करते रहना है एंड तक। अगर आप सबको मेरी वीडियो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आरी एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक है उसे आप शेयर भी कर सकते हैं, इस लिंक को शेयर करें। यह हमारा लिप फिलिंग स्टिच या फिर फिशबोन लिप स्टिच भी कहते हैं इसे। ये बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। सिल्क थ्रेड, अगर आप सिल्क थ्रेड को हैंडल नहीं कर पाते तो प्लीज हमारी वीडियो को जरूर देखें, हाउ टू हैंडल सिल्क थ्रेड। यहाँ हमने दो स्टैंड इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो सिल्क थ्रेड है बहुत ही नाजुक होता है और ये बहुत ही जल्द टूटने लगता है सिंगल स्टैंड से, तो हमें डबल या फिर ट्रिपल स्टैंड लेनी पड़ती है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और भी ऐसी वीडियो देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर कोई भी किसी भी तरीके के एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। टाइप की लिप तैयार है और इसे हमें लिप फिलिंग स्टिच भी कहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल हुआ है ये लिप।
ये बहुत ही इजी है, आप ट्राई करें।